मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा में फंसे कुछ कैनेडियन शहरी वहां से निकल सकते हैं। आलमी उमूर कैनेडा का कहना है कैनेडियन शहरी अपने सफरी दस्तावेजात तैयार रखें। काहिरा में रहते हुए हम खुराक, रिहाइश और बुनियादी जरूरियात फराहम करेंगे। कैनेडियन सूबों के वज़राए आला वफाकी हाउसिंग पॉलिसी कार्बन टैक्स के खिलाफ मुत्तहिद। वज़राए आला का कहना है कि मुल्क कई बहरानों का सामना कर रहा है, मुल्क के वज़राए आला को ट्रूडो के साथ वक्त की ज़रूरत है। यूक्रेन ने रूसी मिसाइल हमले में 19 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। अवार्ड्स की एक तकरीब पर मिसाइल हमले में फौजियों की हलाकतें हुईं। यूक्रेनी सदर का कहना है कि ये एक ऐसा सानहा था जिससे बचा जा सकता था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. आलमी उमूर कनाडा का कहना है कि कुछ कैनेडियन जो इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान गजा छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं, वो मंगल की सुबह रफा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल होना शुरू कर सकते हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आलमी उमूर कनाडा का कहना है कुछ कैनेडियन जो इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान गजा छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं, वो मंगल की सुबह रफा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल होना शुरू कर सकते हैं। गजा में एक कैनेडियन की तरफ से कैनेडियन मीडिया के साथ शेयर की गई ईमेल के मुताबिक GAC ईमेल मौसूल करने वाले कैनेडियनों को जल्द से जल्द पहुँचने की तरगीब देता है। ईमेल में कहा गया है कि क्रॉसिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे खुलने के लिए तैयार है। ईमेल में कहा गया है कि बराहे करम अपने सफरी दस्तावेजात तैयार रखें और अपना जाती सामान हमारे कौंसलर अहलकार सरहद के मिस्री जानिब होंगे ताकि आपको बस के जरिए काहिरा तक आमदोरफ्त की सहूलत फराहम की जा सके। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक मिस्र की हुकूमत क्रॉस करने वालों को ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक रहने की इजाज़त देगी। काहिरा में रहते हुए हम खुराक, रिहाइश और बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे। हम आपके अपने खर्च पर कनाडा के आगे के सफ़र में भी मदद करेंगे। सफ़र के लिए हंगामी कर्जों की सूरत में माली इमदाद ज़रूरतमंदों के लिए दस्तियाब है। कनाडा के वज़राए आला वफाकी हाउसिंग पॉलिसी कार्बन टैक्स में तब्दीलियों पर अपनी तनकीद में मुत्तहिद हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़राए आला वफाकी हाउसिंग पॉलिसी कार्बन टैक्स में तब्दीलियों पर अपनी तनकीद में मुत्तहिद हैं। कनाडा के सूबों के वज़राए आला ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वफाक बराह रास्त म्यूनसिपलिटीज़ के साथ दो तरफा हाउसिंग सौदों पर दस्तखत करके पतली बर्फ पर चल रहा है, जबकि सूबों को मामले से बाहर छोड़ रहा है। वज़राए आला ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को 5 सालों में ज़ाती तौर पर पहले वज़रा का इजलास ना बुलाने पर भी कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा एक ऐसे वक्त में जब मुल्क कई बहरानों का सामना कर रहा है, रिहाइश का बहरान, सेहत की देखभाल का एक दबाव का निज़ाम और मौसमियाती पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ, मुल्क के वज़राए आला को ट्रूडो के साथ वक्त की ज़रूरत है। शदीद किल्लत को कम करने के लिए मजीद घरों की तामीर के लिए शदीद सियासी दबाव के तहत हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर कैलगरी, हैमिल्टन, हेलीफैक्स और लंदन और वॉन ऑनटेरियो जैसे शहरों के साथ मुहायदों पर दस्तखत कर रहे हैं। हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड के तहत जो म्यूनसिपलिटियों को रकम देता है जो रेड टेप को कम करने का अहद करती हैं। अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ का कहना है कि हमें इंसाफ की ज़रूरत है, हमें मसावात की ज़रूरत है
और हम इसमें मौजूदा मॉडल के साथ नहीं देख रहे। अगर क्यूबैक की तरह कानून साजी करके अपने दायरा अख्तियार का दिफा करने से हमें मुनसिफाना सलूक करने में मदद मिलती है तो हम यही करने जा रहे हैं। नोवा स्कॉटिया के प्रीमियर टिम ह्यूस्टन ने कहा कि हाउसिंग पर तआवुन की कमी ने डुप्लीकेट प्रोसेस पैदा किए हैं और इससे सूबों और इलाकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का खतरा है। कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन का तखमीना है कि मुल्क को 2030 तक मजीद 3.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स बनाने की जरूरत है ताकि मुल्क की आबादी में इजाफा हो। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वफाकी लिबरल हुकूमत बल्दियात में गैर ऐलानिया तौर पर पॉपअप करके और जब ये उनके दायरा अख्तियार में नहीं है कि इर्द गिर्द नक रकम फैलाकर हैरान कन वजीर आजम रही है। उन्होंने कहा कि वफाक को इस अमल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। रिहाइश एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ ऑन्टेरियो में बल्कि पूरे मुल्क में। यूक्रेन ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी मिसाइल हमले में 19 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन ने गुज़िश्ता हफ्ते रूसी मिसाइल हमले में 19 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यूक्रेनी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 3 नवंबर बरोज़ जुमा जुनूब मशरकी यूक्रेन में ज़ापोरोजिया के शहर में अगले महाज पर होने वाले अवार्ड्स की एक तकरीब पर मिसाइल हमले में फौजियों की हलाकतें हुई हैं। ताहम हुकूमती सतह पर उन हलाकतों की तस्दीक अब की गई है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेन की 128वीं माउंटेनिस्ट असॉल्ट ब्रिगेड की जानिब से 6 नवंबर को जारी करदा बयान में 19 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक की गई। हफ्ते के रोज़ यूक्रेनी वजीर दिफा ने कहा था कि हमले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। यूक्रेनी फौज की जानिब से जारी किए गए एक अलहदा बयान में बताया गया था कि रूस ने इस इलाके को इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है जहां इस तकरीब के लिए फौजी जमा थे। दरअसल रूसी वजारत दिफा ने कहा था कि रूसी अफवाज ने यूक्रेनी फौजियों को निशाना बनाया है जिसमें कम अज कम 30 फौजी हलाक हुए हैं। यूक्रेन के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि वो मिलिट्री कमांड के इस फैसले की तफ्तीश कर रहा है जिसके तहत फ्रंट लाइन के करीब गांव में रॉकेट एंड आर्टिलरी डे की तकरीब मुनक्किद की गई थी। रूसी हमले में फौजियों की हलाकत पर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि ये एक ऐसा सानहा था जिससे बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के नतीजे में आजहानी सिपाहियों के अहल खाना को ये मालूम होना चाहिए कि ये सानहा कैसे हुआ और क्या इसकी वजह कोई नामुनासिब हुक्म नामा तो नहीं था। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.